सफलता मंजिल है तो असफलता वो रास्ता है जो हमें इस मंजिल तक पहुंचाती है। छोटी छोटी असफलताएं ही आगे चलकर बड़ी सफलता बदलती हैं। असफलता का एकमात्र उपाय ये नहीं है कि हम जीवन में हार के बैठ जाएं और सोचने लगे कि जीवन खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे, अगर सफलता मंजिल है तो असफलता वो रास्ता है जो हमें इस मंजिल तक पहुंचाती है। यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इन दोनों में ही आशा की किरण देखी है। छोटी छोटी असफलताएं ही आगे चलकर बड़ी सफलता बदलती हैं। आज के कुछ नादान कमजोर लोग छोटी छोटी नाकामियां भी से निराश हो जाते हैं, जीवन में हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग बहुत जुझारू होते हैं वो कितना भी भयंकर तूफान हो अपनी कश्ती को निकाल के ले जाते हैं। असफलता का एकमात्र उपाय ये नहीं है कि हम जीवन में हार के बैठ जाएं और सोचने लगे कि जीवन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे सफल व्यक्ति सफल होने से पहले ही खत्म हो चुके होते, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में असफलताएं देखी हैं। बिना असफलताओं के कोई सफल आज तक हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि भगवान ने भी जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो ये दिखाया कि कितने कष्ट उनके जीवन में हैं, कितनी असफलताएं उनको झेलनी पड़ती हैं। दुनिया में ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो किसी एक क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाते, लगातार फेल होते रहते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास मेहनत के बाद उन्हें भी कामयाबी मिलती है। पूरा संसार के लिए वो मिसाल साबित होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को ही देख लीजिए। जीवन में हारना भी जरूरी है, हार से जीतने का रास्ता मिलता है जिस पर चलकर हम हमेशा जीतना सीख जाते हैं और जीतना हमारी एक आदत बन जाती है। लेकिन अगर हार का एक कड़वा स्वाद हमने नहीं चखा जीवन में तो सफल हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग हार मानकर जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, काम में दोबारा नहीं मेहनत करना चाहते, उनका जीवन बेकार है। उन्हें यह डर लगा रहता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो ट्रायल नहीं करना चाहते, वो डरते हैं। उन्होंने ये डर आगे चल के क्या होगा अगर ये लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं इस डर को पहले दिन अपने अंदर बिठा लूं तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं उसके साथ एक रिश्ता चला पाऊंगा। किसी भी काम में दोबारा से मेहनत करके हर कोई सफलता पा सकता है। आपने कितने सारे लोगों के बारे में ऐसे सुना होगा। लेकिन अगर आप जीवन में हार मानकर बैठ गए, आपने आगे बढ़ाई नहीं, तो फिर जीवन में कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि हार मानने वालों के जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में हर किसी को एक मौका खुद को जरूर देना चाहिए। एक मौके के में भी सफलता ना मिले तो फिर दोबारा अपने आप को मौका देना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये रास्ता मेरी मंजिल तक जा रहा है, अगर मैंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन ये डर से हम बचे कैसे? आप सोचिए कि ये जड़ हमारे जीवन में है, क्योंकि अगर फेल हो गया, आज मैं इतने सारे बच्चों से बात करता हूं कि उनसे एक ही बात मुझे सुनने को मिलती है, अगर जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ सरप्राइज है जीवन में। अगर किसी को सब कुछ पहले से ही पता होता तो जीवन जीने का मजा खत्म हो जाता। मैं नहीं पता कि कल को क्या होगा। मैं आज से 10 साल पहले सरकारी नौकरी को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था कि आज से 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता होता। तो जब हम जिस काम को जब कर रहे हैं उसको अगर हम खुशी से करेंगे तो सिर्फ हमें खुशी ही नहीं मिलेगी, हमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर हम इस डर के साथ कोई काम करेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे लोग ऐसे समझिए कि जब हम जीवन में कोहरे में चलते हैं तो हमें बहुत कम दूर का दिखाई देता है। हमें यह भी नहीं पता होता कि उस घर के बाद क्या है, लेकिन जब हम उस घर पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी मैं और 100 मीटर चल सकता हूँ। यानी जीवन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैंने अभी 1 साल ये टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे ये करना है, अब मुझे नहीं पता, मैं अपनी पूरी शिद्दत लगाऊंगा, पूरी मेहनत लगाऊंगा, उसके बाद जो भी होगा अच्छा होगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं आप देख रहे हो आज, एजुकेटर हैं जो SSC की नौकरी नहीं ले पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका जीवन सफल नहीं हो पाया, उन्होंने लगातार मेहनत की, उन्होंने अपने आप को मैथ्स में या इंग्लिश में इतना स्ट्रांग बनाया कि आज लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं। कैसे हुआ वो? तो ऐसा नहीं कि जो हम जीवन में सोचेंगे वो सब होता चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो 8th क्लास वाली रीना ही हमारी हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुआ। रीना की शादी हो गई, आज 2 बच्चे और हम अभी तक कुंवारे बैठ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम जो भी फर्स्ट स्टैंड पे अपने जीवन में सोचेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर वाले को भी मालूम है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना और कब देना है। जैसे हमारे माँ बाप को पता होता है कि हमें कब कौन सी चीज देनी है, कितने बड़े हो जाएंगे तब बाइक देनी है, ऐसे जीवन का भी नियम सीधा है। भगवान को भी पता है कि कब आपको क्या देना है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक चीज करने की जरूरत है, वो है मेहनत, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प।